बहुत सारे अहले सुन्नत के जवान मुझे फेसबुक वगैरह पेज पे मैसेज करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैं पसंद भी नहीं हूँ या शियों की बातें पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुनते हैं। और देखता हूँ हर बार आके कमेंट करते हैं, भाई अगर शिया पसंद नहीं तो आप ना सुनो। और ये तो दलील नहीं हुई ना कि हम नहीं मानते, आप गाली देना शुरू कर दें। अब ये तारिक मसूद हैं, नहीं जमील नहीं, एक और हैं, हाँ ये मसूद हैं। तो इन्होंने अपनी तकरीर में इंजीनियर मोहम्मद अली के बारे में कहा, इसने हमारे बड़े लड़के गुमराह कर दिए, कहा इसको सुनना जुर्म है, इसको सुनना ही कुफ्र है। ये क्या बात हुई, आप लोगों के कान तो नहीं बंद कर सकते ना? आज इंसान जिंदा है, वो हर किसी को सुन सकता है। आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए, किताबें आपकी आपकी किताबों से पढ़ रहे हैं। जब जवाब नहीं होता, मासूम का फरमान, इमाम फरमाते जब किसी के पास दलील नहीं होती वो क्या देता है, गाली देता है। तभी मौला अली को गालियां दी जाती थी, क्योंकि जब मौला इस्तिदलाल करते थे तो कुरान से करते थे, अक्ल से करते थे, अब अली के सामने क्या बोलते, तो तौहीन पे उतरते हैं। ये फतवा महाराज ने इसलिए दिया, फरमाए अहले सुन्नत के बड़ों को और उनके अकाबिर की तौहीन न किया करो। तौहीन मकतबे अहले बैत का शेबा नहीं है, तौहीन मकतबे अहले बैत की न रस्म रही है न आदत रही है, क्योंकि तौहीन वो करता है जिसके पास दलील नहीं है। मौला अली फरमाते नहनु अबनाउ दलील, अगर किसी के पास दलील है तो अली वाला, उसकी पैदाइश में भी दलील है तो उसके अकीदे में भी दलील है। और बहुत सारे ऐसे एतराजात हैं जो इन्हीं मोहम्मद अली जी ने शियों पर भी किए हैं। शिया तो परेशान नहीं है, हम तो आपको कभी नहीं कहते उसको मत सुनिए, क्योंकि हमें इतना यकीन है शिया इतना मजबूत है, वो उसका ईमान कभी लरसता नहीं है। हर चीज मौजूद हमारे किताबों से, वो रवायतें ला दो भाई, हमने आज तक एक किताब बताओ जिसको सही कहा, एक किताब को तो अरबा हमारी किताबें चार, हम किसी किताब को सही नहीं कहते, हम कहते इसमें ज़ईफ़ रवायतें भी हैं, कवी रवायतें भी हैं, इसी तरह तारीख ज़ईफ़ भी है, कवी भी है। ये हर अक्लमंद इंसान का काम है कि वो रिसर्च करे कि सही क्या है गलत क्या है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद,